हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल शनाईओपीडिया। मैं शनाई बख्शी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज का जो स्पेशल ब्लॉग है वहाँ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली की एक वो फेमस जगह और एक वो फेमस गली जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। हाँ जी, ये जो जगह है इसको स्टेब्लिश किया था इन 1913 मोहम्मद काजी। और तभी से हमारे भारत में शुरुआत हुई करीम्स होटल की। हाँ जी, करीम्स एक ऐसा नाम है जो आई डोंट नो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, आई बिलीव हर किसी को पता है कि करीम्स क्या है, वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ क्या फेमस है। इवन आई मीन दे आर लाइक जो नॉन वेजिटेरियंस है दे आर तो स्पेशली फॉन्ड ऑफ दैट प्लेस। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप नॉन वेजिटेरियन है और आप वहाँ नहीं गए हैं, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक क्राइम। यस, मुझे ऐसा लगता है कि हर वो शख्स जो दिल्ली में रहता है और जानता है करीम्स के बारे में, ऑफकोर्स जानता ही होगा, वो पक्का इस डेस्टिनेशन को तो एक्सप्लोर कर ही चुका होगा, और एक बार नहीं कई बार कर चुका होगा। तो चलिए, अब क्योंकि मैं भी यही हूँ तो बिल्कुल भी मैं इस मौके का फायदा तो जरूर उठाऊंगी और इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गली कबाबियाँ। हाँ जी, वो जो गली है जिसमें करीम्स है, करीम्स होटल प्राइवेट लिमिटेड जी, वो उस गली का जो नाम है वो फेमस है गली कबाबियाँ बोल करके। और वो साउथ दिल्ली में जामा मस्जिद, जी हाँ, वो भी एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। तो जामा मस्जिद के बिल्कुल पास में ये उनका रेस्टोरेंट, जो वो चाहते तो ढाबा बनाने के उसमें थे और उन्हें स्टार्ट भी ढाबा ही किया था, बट अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बिल्कुल कमर्शलाइज हो गया है। और अभी आप देखेंगे कि वो प्लेस अभी राइट नाउ कैसा है, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का स्पेशल ब्लॉग जहां हम एक्सप्लोर करेंगे करीम्स होटल प्राइवेट लिमिटेड। एंड हियर वी आर, हम पहुंच गए हैं करीम्स होटल। ओह, सो फाइनली मेरा हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन, मैं आ गई हूँ। और ये यहाँ पे एक साइड में इन लोग का ये कबाब, जिसके लिए स्पेशली मैं आई हूँ, वो ग्रिल किया जाता है। दिस एरिया इज़ फॉर द कबाब्स, ओनली कबाब्स। और बाकी द मेन जो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं। और ये जो साइड से आप जितनी भी शॉप्स देख रहे हैं ये सब के सब इनकी डाइनिंग एरियाज़ हैं। देखा, पहले सिर्फ एक छोटा सा ढाबा था और अब ये पूरी तरह से एक अच्छा खासा फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में चेंज हो गया है। दिस इज़ वन ऑफ द सिटिंग एरियाज जहाँ हम आए बैठने, और थैंकफुली हम क्योंकि ऑलरेडी 3-4 जन हैं तो हमें एक फुल टेबल मिल गया है। अदरवाइज मैं आई टेल यू, आपको टेबल शेयर करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से मेन्यू में देखते हैं क्या है। माई गॉड, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बट कबाब तो मुझे खाना ही है, बाकी कुछ और मैं खाऊँ ना खाऊँ। तो चलिए जल्दी से डिसाइड करते हैं कि ऑर्डर क्या करना है। एंड यस, आई टेल यू कि ये जो करीम्स होटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसको टाइम्स मैगजीन ने एशिया के टॉप रेस्टोरेंट्स में रैंक किया है, समझ रहे हैं आप। और ये देखिए, आ गया है हमारा ऑर्डर। ये है चिकन बिरयानी, देन दिस इज़ मटन स्ट्यू, साथ में है माई फेवरेट मटन सीख कबाब, और एक चीज़ और हम लोगों ने ऑर्डर की है, दैट इज़ मटन कोरमा। और अब हम इसे खाएंगे रुमाली रोटी के साथ। चलिए खाते हैं, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो मक्खन जिसे बोलते हैं, आई टेल यू, इतना यमी कबाब मैंने कभी नहीं खाया। दिस इज सुपर टेस्टी, बोलते हैं ना मुंह में डालते ही घुल जाता है, बस ये वही है, मुंह में डालते ही गायब। तो अब थोड़ी सी बिरयानी भी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है टेस्ट में। पहले कबाब और फिर ये बिरयानी, आई टेल यू, ये खाने के बाद ये
चीज़ तो पक्का है कि अब मैं दोबारा यहाँ ज़रूर आऊँगी। अब बारी है खीर की, द वन एंड ओनली डेजर्ट इन देयर ऑप्शन, जो ये काफ़ी फेमस है, लोग यहाँ पे ये ज़रूर ट्राई करते हैं, तो हम भी करेंगे। बाप रे, गर्मी में बैंड बज गई, बट जो वहां का खाना, जो टेस्ट वहां पे मुझे मिला, स्पेशली द कबाब, OMG, दैट इज वर्थ इट। मतलब मैं तो बार बार जाना चाहूंगी, हर बार जाना चाहूंगी। मुझे कोई भी बोलेगा कहाँ खाने जाना है, मैं सीधा बोलूंगी लेट्स गो टू करीम्स। और हाँ, एक चीज, ये जो आप करीम्स और भी आपने हर सिटी में आजकल, सिर्फ ये एक ब्रांच है, और अभी लेटेस्ट, अभी नया बैंगलोर में भी एक इनका अपना खुद का इन्होंने शॉप ओपन किया है, आउटलेट ओपन किया है। तो अभी फिलहाल सिर्फ दो हैं, अभी तक सिर्फ एक था इन साउथ दिल्ली नियर जामा मस्जिद, और अब उनके दो ब्रांचेस हो गए हैं इन दिल्ली एंड इन बैंगलोर। चलिए, अब ये ट्रैवल वाला तो, एक्सप्लोरिंग वाला तो हो गया, अब बारी है कुकिंग की। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब, खाकर आई हूँ सीख कबाब, बनाऊंगी शामी कबाब। चलिए तो शुरू करते हैं और बनाते हैं शामी कबाब। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये मटन कीमा, ठीक है। क्वांटिटी कितनी किस चीज की मैंने ली है, इंग्रेडिएंट्स, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ है मटन कीमा, और ये है चने की दाल, इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था, और ये मैंने भी पानी से इसको पूरा स्ट्रेन कर लिया है। ये हम इसमें डालेंगे, और ये है खड़ा गरम मसाला, ये जितने भी टाइप के गरम मसाले होते हैं वो सारा मैंने इसमें लिया हुआ है, और ये भी इसमें गया। और साथ ही ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये भी। अब क्या करेंगे, अब इन सारी चीजों को हमें करना है बॉईल। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, पानी, पानी हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बहुत ही कम पानी का आपको इस्तेमाल करना है, बस आधा ग्लास पानी मैंने इसमें डाला हुआ है। अब हम बॉईल करेंगे, बस एक सीटी हम इसकी लगाएंगे। ये देखिए, ये बॉईल हो गया है हमारा कीमा, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसे भी मैंने ये स्ट्रेन करके रख दिया है, इसे आप पहले ही फेंकेंगे नहीं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एकदम फाइन पेस्ट तैयार करेंगे, मिक्सी में हमें करना है इसका रेडी पेस्ट, और उसको बनाते वक्त जितना पानी इस्तेमाल होता है वो आप ये पानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका एक फाइन स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मटन कीमे का पेस्ट बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बारी है, इसको आप थोड़ा सा चख लीजिए कि अगर नमक और चाहिए तो हम नमक और डालेंगे, मेरे में चाहिए तो मैं और नमक इसमें डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आप भी इस मोमेंट पे नमक टेस्ट करके और नमक इसमें ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं जरूरत है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बॉईल करते वक्त तो हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे ये बेसन और ये चॉप किया हुआ प्याज, और अब इन सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। आप हाथों से, स्पून से, जैसे भी मर्जी इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये हो गया है बिल्कुल अच्छे से मिक्स। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ गैस पे मैं एक कोयला बिठा रही हूँ, इसमें डालना है घी। ये देखिए, जब मैं फ्लेम धीरे करूँ तो अब धुआं दिख रहा होगा आपको, बस ये हमें चाहिए, इससे धुआं निकलना चाहिए। और उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा पहले कम करके मैं इसमें रखूंगी ये प्याज, प्याज जलेगा इसके साथ, और हम इसमें इस तरह से एक कटोरी बैठा देते हैं, और फिर
इस कोयले को प्याज सहित हम इसमें डाल देंगे और फिर एक प्लेट से कवर करके हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद हम हमारे कबाब सेकेंगे। और ये जो कबाब है इसे हम सर्व करेंगे धनिया की चटनी के साथ, जिसके लिए यहाँ मैंने एक लहसुन लिया हुआ है। काफी बड़ा ये क्लोव है इसलिए एक ही लहसुन मैंने लिया है। उसके बाद है दो हरी मिर्च, टमाटर आधा और थोड़ा सा हरा धनिया। इसे हम नमक के साथ अच्छे से पीस करके चटनी रेडी कर लेंगे। कबाब्स को सेकने के लिए अब हम एक नॉनस्टिक तवा ले लेंगे और उसमें मैं ये रिफाइंड ऑयल गरम करूँगी और अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हमारे मिक्सचर का और इस तरह से थोड़ा सा टिकिया का शेप देते हुए हम इसे तवा में एक एक करके सेकने के लिए लगाएंगे। और हम इसे तब तक सेकेंगे जब तक ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन, थोड़ा सा डार्क ब्राउन नहीं हो जाता है। उससे पहले इसे आप बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए वन साइड से इस तरह से डार्क ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे बहुत ही केयरफुली एक फ्लैट स्पैचुला की हेल्प से इसे आप टर्न करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ही गीला होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप ध्यान से करेंगे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ओके। एक साइड से जब आप इसे टर्न कर दिया है तो अब हम फिर से थोड़ा सा और रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर इसका दूसरा साइड भी सेक लेंगे तब तक ही जब तक कि ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाते और बिल्कुल मीडियम आंच पे आपको इसे सेकना है, ठीक है। ये देखिए अब ये दूसरी साइड में हो गया है, यानी कि इट्स ऑल डन। अब हम इसे निकाल लेते हैं और फिर सर्व करते हैं विथ हमारी हरी धनिया की चटनी। आई होप आपको आज की मेरी ये मटन शामी कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही यमी रेसिपी है। आप इसको बनाइए, खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए, गेस्ट को खिलाइए, फैमिली मेंबर्स को खिलाइए। अगर उन्होंने दोबारा इसकी डिमांड नहीं की तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, गारंटीड। सब्सक्राइब ही नहीं किया अभी तक, वाह अमेजिंग। चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए और जल्दी से करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि अभी बहुत कुछ आना बाकी है, एक्सप्लोर करना बाकी है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।